जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली सीआरपीएफ ट्रेडमैन को लेकर है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन को लेकर एक तो कि इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड आए नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड की डेट क्या थी, 20 जून। मैं आपको बता दूं 20 जून से लेकर 25 जून थी, ठीक है, केवल 20 जून नहीं थी, यानी 20 जून से 25 जून के बीच में एडमिट कार्ड आने वाले थे। एग्जाम की जो डेट है वो 1 जुलाई से 13 जुलाई है, आप सभी को पता होगा। अब बहुत सारे बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए तो इस चक्कर में है कि कहीं इसका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो जाए। मैं आपको बताऊं एक बार एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन नहीं होगा, ये वैकेंसी 100% अपने नियमित समय पर ही होगी, 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कितने नंबर लाने होंगे, कट ऑफ कहां तक लग सकती है ट्रेड टेस्ट के लिए। मैं आपको बता दूं वैसे इसमें अभी जो आप नंबर लेके आओगे उसके बाद में ट्रेड टेस्ट के नंबर मिलकर फिर फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें पड़ाव 2 है, पहले तो ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन जो फिजिकल मेडिकल है इनके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट होगा उसके नंबर मिलेंगे। इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो कितने नंबर लाने चाहिए, मैं आपको बता दूं इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। अब डिपेंड करता है आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपको नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो राज्य वाइज जाएगी, यानी स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ इसकी रहने वाली है। अब आप जिस राज्य से पास करते हो, अब सबसे पहले क्या होता है इसमें पेपर पास होगा, फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, वो ट्रेड टेस्ट के अंक मिलेंगे फिर, और फिर उसको जो क्वालिफाई होगा उसमें डिस्क्वालीफाई भी होंगे, कुछ क्वालिफाई भी होंगे, और क्वालिफाई में भी नंबर मिलेंगे अलग अलग ट्रेड के, अलग अलग आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में, फिर वो नंबर और ये नंबर जुड़ के फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो कम से कम कितने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि नॉर्मली राजस्थान जैसे राज्य से तो आपको कम से कम 60+ अंक लाने पड़ेंगे। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहां से तो इतने लाने पड़ेंगे। बाकी अगर स्टेट की बात करें तो कम से कम आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे, जैसे गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों से कम आपको 40+ नंबर लाना पड़ेगा। अब यहां पे भी 60+ जनरल कैटेगरी के लिए बताया मैंने, ध्यान रखना। अब इसमें अगर कोई ओबीसी से है तो 1-2 नंबर कम मान लीजिए, अगर कोई एससी से है तो 2-5 नंबर कम मान लीजिए, और कोई एसटी से है तो 10 नंबर कम मान लीजिए। इतने नंबर आपको पहली कट ऑफ के लिए लाने पड़ेंगे, तभी आप पेपर क्वालिफाई होंगे, और पेपर क्वालिफाई होने के बाद में फिर आप ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपको इसमें पेपर भी है, फिर फिजिकल भी है, मेडिकल भी है और ट्रेड टेस्ट भी है, लेकिन ट्रेड टेस्ट के नंबर है, बाकी 2 पार्ट के नंबर नहीं है। तो ट्रेड टेस्ट भी पूरी की पूरी भूमिका निभाएगा आपकी फाइनल मेरिट में। तो इसलिए जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है आपको उसका बहुत ही अच्छा नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है। लाड लो, ध्यान रखिए एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।